अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं अपने गांव गिलावाला के फ़िश फार्म पे आया हूँ, तो आज मैं आपकी इसकी सैर करवाऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। तो मैं बस जा रहा हूँ उधर, तो इंशाल्लाह आपके उधर उनके ऑनर से भी मुलाकात करवाता हूँ, थोड़ा सा इंटरव्यू भी लेंगे उनका, और आपको मछली पकड़ने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे मछली पकड़ते। जी व्यूअर्स, ये मैं अपने गांव गिलावाला के मछली फार्म में पहुंच चुका हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये फ़िश फार्म है। तो अभी मैं इधर जा रहा हूं, तो उनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि मछली कैसे पकड़ते हैं, वो सारा क्या प्रोसेस होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय करेंगे मेरी इस वीडियो को।
जी जनाब, आज हम आए हैं अपने गांव गिलावाला के फिश फार्म पे, जो कि हमारे मोहतरम भाई इमरान वहा साहब, इन्होंने और इनके भाइयों ने और वाला साहब ने मिलके बनाया है। तो इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। इसके शार्ट्स भी मैंने ले लिए हैं, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे साथ में, और साथ में इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये काम का आगाज़ इन्होंने कैसे किया है, तो किस तरह से इनको ये आइडिया आया। क्योंकि आमतौर पर देहातों में इस तरह के कारोबार लोग नहीं करते, तो दुकान वगैरह बना लेते हैं या आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इनके जहन में आया और मालूमात लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इमरान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का बड़ा एहसान। सही, ठीक है, बस ठीक ठाक। माशाल्लाह से काफ़ी आपने रौनक लगाई हुई है इधर, तो मछलियाँ वगैरह भी पकड़ते हैं, इंजॉय भी करते हैं, साथ साथ कारोबार भी आपका माशाल्लाह से। तो ज़रा मुझे डिटेल में ज़रा आगाज़ से लेकर, तो अभी जो मौजूदा हालत में है, हमें ज़रा इससे ब्रीफ करें, ये कैसे आपने यहाँ तक आप पहुँचे? ये तकरीबन 2 साल पहले मैंने शुरू किया था, और लास्ट टाइम जो हमने ना फर्स्ट टाइम हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमें अंदाज़ा नहीं था इसकी तादाद प्रॉपर डालने का। सही, जिस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद, कुछ मकामी लोगों के मशवरे पर ही बहुत ज़्यादा तादाद हमने डाल दी थी। तकरीबन कह लें कि जितनी ये इतनी कैपेसिटी में होनी चाहिए उससे डबल, लिहाजा लास्ट टाइम हमने फिर वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर सकी। यही चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट की कमी, यानी कि फर्स्ट टाइम जो आपने पहले, मेरा ख्याल है प्रॉपर वर्किंग नहीं आपने की, आपने कहा जहन में एक आइडिया है तो आपने उसे वैसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने शौक फार्मिंग का और बस समझने के आगे आगाज कर दिया इसका। सही, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये हमारे फ्ला रह गया था थोड़ा। सही, काफी आप डिसार्ड भी हुए होंगे। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं डिसार्ड होने वाली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जो है ना, एक्सपेरिमेंट नाम ही इस चीज़ का। जी, तो ये है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद फिर हमने उसमें से फिर जो बड़े पीस जो ग्रोथ कर चुके थे वो सिर्फ निकाले थे, बाकी जो छोटी रह गई थी फिर नेक्स्ट इस सीजन के लिए वही रोक ली थी। नया पूंग जो नया सीड उसमें नहीं डाला हमने, तो वही रोक ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वो 1 kg प्लस जो ग्रोथ था। इस सीजन में 1 kg से लेकर 1.5 kg के दरमियान नोंडी हो गया, तकरीबन निकल रही है, एवरेज कह सकते हैं आप 1 kg 1 पाव प्लस इस तरह के एवरेज। सही, तो तादाद वगैरह क्या होगी मछलियों की जो सीजन में इसमें डाला? इस वक्त जो है ना वो तकरीबन मैं साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, वेट वाइज जो है वो कल तक पिछले 10 दिन तकरीबन हुए हैं, परचून लेवल पे सेल कर रहे हैं, किसी को हमने डिस्ट्रीब्यूटर को किसी जो ब्रोकर होते हैं इनको नहीं दी, तो हम परचून लेवल पे लोगों के लिए समझ लें, अपने लोकल लेवल पे लोगों के लिए इंजॉयमेंट भी है, ताज़ा फ्रेश चीज़ें मिल रही है, शौकीन लोग मुतवज्जो हो रहे हैं इधर बस ज़्यादा, तो उनको हमने जो है ना वो बस ये सर्विस दे रहे हैं। तो तकरीबन 4.5 मन शाम को कैलकुलेट कर रहा था। सही, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है अभी तो बहुत ज़्यादा तादाद के हिसाब से, जितनी तादाद निकली और जितनी डाली गई थी जितनी बाकी थी उस हिसाब से अभी तो काफ़ी इंशाल्लाह बाकी है। सही, माशाल्लाह से काफ़ी पहले से ये ग्रोथ कर गए हैं इनका कारोबार भी, और साथ में इनका शौक भी पूरा हो रहा है, और साथ में माशाल्लाह से ये कारोबार भी कर रहे हैं। सही, इंटरेस्टिंग, यानी बिजनेस साइड बिजनेस इसको कह सकते हैं आप, इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर बिजनेस वैसे होना चाहिए तो फिर एरिया ज्यादा रिक्वायर्ड है उसके लिए, ये 6 एकड़ एरिया है, ऐसा मेरे शौक का शौक है, एक साइड बिजनेस कह सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे गाँव में अच्छी आपने रौनक लगाई हुई है, हम भी इधर आए, काफ़ी इन्जॉय किया, मछली मैंने कभी हाथ में नहीं पकड़ी, आज पहली दफ़ा व्यूअर्स मैंने हाथ में मछली पकड़ी है, मैं आपको उसका भी शॉट दिखाऊंगा। तो बाकी मज़ीद इनसे बात करते हैं, मज़ीद आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे नेक्स्ट फ्यूचर में, आपके क्या प्लान है? फ्यूचर में हम इंशाल्लाह ताला, लास्ट टाइम तो ये भी हमें कुछ माहरीन ने कहा है कि मुमकिन है आपका सीड भी अच्छा नहीं था, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकी, तो हम इंशाल्लाह सीड भी चेंज करने वाले हैं, तो और अल्लाह के फजल से जो टेक्निक है अब इसकी रोशनी में कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो है ना वो फ्लोट फ्लावर टेक्निकल रह चुके हैं, नेक्स्ट ना ये ऐसी चीज़, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, आप मजीद आपका बिजनेस ग्रो करें। अच्छा, काम कर रहे हैं इधर कोई नहीं, प्रॉपरली तो बस मेरे अंकल हैं, वो इस डेरे पर समय ले वैसे ही शौकिया तौर पर बैठना, दिन बार आना गुजारना, दिन और घर चले जाना, प्रॉपर तो इसमें ये उनका काम नहीं कि इसके लिए बराबर कोई ड्यूटी या 12 आवर कोई प्रॉपर ड्यूटी देनी पड़े, ऐसा तो नहीं, बस आते हैं फीड करते हैं इनको, जब पानी की जरूरत हो 2 दिन बाद 3 दिन बाद 2-3 घंटे पानी दिया बस, जो
सर्दी के सीजन में चूँकि बखारात कम होते हैं बनते हैं, गर्मी के सीजन में बखारात ज्यादा बनते हैं। तो गर्मी के सीजन में कह लें कि दूसरे दिन तीसरे दिन हमें 3-4 घंटे मोटर चलाना पड़ती है, 3 इंच का पानी डिलीवरी इसमें काफी हो जाता है 2-3 घंटे में। और सर्दी में तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक तो सीजन शुरू हो जाता है, निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए हमें बल्कि कम करना पड़ता है पानी लेवल। तो सर्दी में तो बिल्कुल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, गर्मी में अलबत्ता मोटर थोड़ा बहुत चलाना जरूरी होती है 2-4 माह। सही, हाँ जी। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इधर आपके पास आके, मछलियाँ पकड़ना भी हमें देखा कैसे पकड़ते हैं, लाइव देखा है, ये हाथ में पकड़ के भी देखे व्यूअर्स। तो ये हमारे इमरान माहिर साहब भाई थे, ठीक है। अगर आपको मछली चाहिए हो हमारे इलाके में गिला वाला में किसी आसपास के गांव से तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, मैं नीचे इनका नंबर वगैरह मैंशन कर दूँगा तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके, थैंक यू, शुक्रिया। तो मैं इस वक्त वापस जा रहा हूँ, मैं घर जाके इसको एडिट करता हूँ और मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज मैं इधर मछली फार्म पे आया हुआ था, तो इधर बहुत हरा भरा इलाका है, इधर ये चावल की काश्त का सीज़न है, तो इसे पंजाबी में मुंजी कहते हैं, ठीक है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हर जगह पर लगी हुई है। तो अभी इसकी कटाई भी होगी, अभी ये पूरी पाके तैयार नहीं हुई, तो इंशाल्लाह जब इसकी कटाई होगी तो उसकी भी आपको वीडियो दिखाएंगे। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो घर जाके वीडियो को एडिट करके मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग और फेमस वीडियोज़ में आप तक। ये रास्ता बहुत ही जो है ना ख़तरनाक है, मैं गिर भी सकता हूँ, उस वजह से जो है ना मैं आराम आराम से और ध्यान से जा रहा हूँ। तो अभी उधर चलते हैं और देखते हैं, ये मैंने व्लॉगिंग अभी जस्ट स्टार्ट ही की है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे मेरे व्लॉग्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपस में फ्रेंड्स को। अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपकी दुआ से। तो ये हमारे गाँव की तरफ रास्ता जा रहे हैं, इसी के साथ मैं जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा मौसम है, शाम का टाइम है, तकरीबन 3 बज गए, मुझे भूख भी लगी हुई है, घर जाकर इंशाल्लाह खाना खाते हैं अच्छा सा, वो भी बन गया होगा, उसके बाद मैं एडिटिंग स्टार्ट करूँगा। तो आप लाजमी देखिएगा मेरी वीडियो को, शाम तक मैं इसको जो है अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।